अर्णव, यस सर। अर्णव पुराने वाले वीडियो भेजे नहीं मेरे को। सर आज दोपहर में सर मेरी ना क्लास बार बार एग्जिट हो रही थी, 3-4 बार ही एग्जिट हो गई थी, तो फिर मैंने कर दिया था। पावर कट बहुत ज्यादा था। चलो कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, बस जो बच्चों की छूट रही है क्लास, मैं जा रहा हूँ, किसी की छूटे ना क्लास। नित्या, यस सर। नित्या, नित्या कितने लेक्चर हो गए अभी रिएक्शन मैकेनिज्म के? अच्छा, सर अभी आगे नहीं बढ़ी मैं उसमें। अभी नहीं किया आगे? चलो, और किसी ने किया आगे? सिद्धि, सोनिया, किसी ने किया आगे कि नहीं? काजल, सर मैंने आज मूल कॉन्सेप्ट किया है पूरा कंप्लीट। किसने किसने किया कंप्लीट? सोनिया। सर सोनिया, यस सर। अच्छा, सोनिया ने कंप्लीट कर लिया मूल कॉन्सेप्ट, बहुत अच्छे सोनिया। अच्छा, और किसी ने किया है? 42 लेक्चर तक कर लिया हो किसी ने तुम में से? नहीं किया अभी तो। 11th क्लास में तो सबसे आगे मुझे लग रहा है नित्या ही है। नित्या, तुमने 38 लेक्चर तक कर लिया है ना? नित्या, सर 36 तक किया। 36 तक किया है। और किसी ने किया? नित्या से ज्यादा किया किसी ने? मैंने 38 तक कर लिया। हाँ, सिद्धि नहीं, 11th क्लास में, 11th वाला, 38 तक तो सिद्धि का हो गया है। हाँ, ये मेरे को पता है। और इसने, काजल ने कितने किए लेक्चर अभी इसके? सर अभी मैं 34 पे ही, मतलब 35 पे हूँ। हाँ चलो, कुछ नहीं तो काजल, तुम तो बाकी काम भी कर रहे हो ना, बहुत सारा, इसीलिए पीछे हो थोड़ा सा। यस तो सर। हाँ, समझ आ रहा है काजल की? नहीं, यस सर आ रहा है। हाँ देखो, उन लेक्चर से जरूर करना। यहाँ तो मैं एक रिवीजन करा रहा हूँ, उन लेक्चर्स में बहुत डिटेल दे रखी है। यहाँ तो रिवीजन यस चल रही है, सर। इसलिए उसको, उनको जरूर, हाँ उनको जरूर करना ढंग से, वो प्रॉपर है। मैं भी कराऊंगा तरीके से, जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के आगे पढ़ेंगे, जो हमने लेक्चर्स नहीं पढ़े हुए, जो लेक्चर हमने, उनको मैं ढंग से डिटेल में कराऊंगा। लेकिन अभी तुम एटलीस्ट एक बार इसको, इनको जरूर कर लो। निशी, यस सर। निशी आज किया है कोई काम कि नहीं? सर अब करूंगी, पर आपको रात को मैसेज कर दूंगी। सर अच्छा चलो, सही है। आज तुम्हारा क्या क्या काम था आज? आयोनिक की टाइट्रेशन और आगे के कन्वर्जन। अच्छा, आगे के होंगे, सही। और फॉर्मूले बोले थे ना, मैं फॉर्मूले जरूर करना डेली सारे चैप्टर के। हाँ यस सर। निशी, तुम्हारे अभी मार्क्स तुम्हारे 32 आए थे इसमें। यस सर। हाँ सही है निशी, लेकिन अब इस बार ट्राई करना हो, क्योंकि 32 अटेम्प्ट भी तुमने 80 अटेम्प्ट किए थे ना निशी। हाँ सर, वही अटेम्प्ट किए थे। यस अच्छा किया तुमने काफी, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम करना और अच्छे तरीके से करना, ये भी बेटर था काफी, मतलब 80% है मेरे अकॉर्डिंग, और बेटर करना इससे। ओके सर। हाँ सही है। देखो, आप आगे ना एक बार मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बस क्रॉस कैरी जरूर रिएक्शन। मान लो मैंने क्रॉस कैरी जो लगानी है, कौन सी ज्यादा यूजफुल है तुम ये बताओगे? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 12th क्लास की, HCHO प्लस CH3CHO की क्रॉस कैरी जरूर यूजफुल है कि CH3CHO प्लस, मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ उसको, CH3CHO प्लस C2H5CHO, इसकी क्रॉस कैरी जरूर यूजफुल है। Whose cross carry, cross aldol, sorry, whose cross aldol reaction is more useful? Dilute हो चेंज वाला है, dilute हो चेंज वाला, किसकी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ज्यादा यूजफुल है? सेकेंड वाला सर, सेकेंड की नहीं, क्रॉस एल्डोल का प्रोडक्ट जो है मैक्सिमम कब मिलेगा? फर्स्ट। फर्स्ट वाले केस में, क्योंकि इसमें ना मेजर प्रोडक्ट जो है एक ही मिलेगा, क्योंकि दिस इज वेरी रिएक्टिव, ये मिथेनल जो है ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हमेशा ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल का ही काम करेगा, और ये वाला किस काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। इसमें तो क्या है, रिएक्टिविटी में डिफरेंस है नहीं इसकी और इसकी, तो एक बार ये इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, एक बार उल्टा, एक बार यही इलेक्ट्रोफाइल, यही न्यूक्लियोफाइल,
एक बार यही इलेक्ट्रोफाइल यही न्यूक्लियोफाइल, तो इसमें कितने प्रोटॉन मिलेंगे? पहले केस में मेजर अमाउंट में एक ही प्रोटॉन तुम कह सकते हो मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है, कन्वर्जन आएगी ना तो तुम सोच भी नहीं पाओगे कि इसको यूज करके कन्वर्जन करनी है, इन दोनों को यूज करके, इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अभी तो मैं आंसर बता रहा हूँ उसका, डायरेक्ट ये आ जाएगा CH2OH CH2OH CH2CHO, ये आएगा फिर हीट किया वो चार्ज के साथ, तो आंसर आ गया Prop2in1L Prop2in1L। मान लो मैं तुम्हें कोई कन्वर्जन देता हूँ ना कि Prop2in1L टाइप का, 1L टाइप का बनाऊ, तो तुम नहीं सोच पाओगे कि तुम्हें ये लेना है। मैंने बोला मिथेनल से बनाओ Prop2in1L, मिथेनल मिथेनॉल से Prop2in1L, तो मिथेनॉल को पहले मिथेनॉल बनाओगे, मिथेनॉल में CH3CHO और वो चार्ज ऐड करोगे तब जाके ये बनेगा। फिर आगे मैं अच्छी कन्वर्जन कर दूं इसमें कन्वर्ट, मैं बीच में तुमसे पूछूंगा ये क्रॉस एल्डोल की कन्वर्जन, तो इसमें मेजर अमाउंट में यही प्रोडक्ट मिलेगा, लेकिन इस केस में क्या होगा, एक बार यही इलेक्ट्रोफाइल यही न्यूक्लियोफाइल, तो आंसर आया CH3CHOH CH2CHO, एक तो पॉसिबिलिटी ये हो गई। दूसरे केस में यही इलेक्ट्रोफाइल यही न्यूक्लियोफाइल, तो आंसर आया C2H5CHOH CHCH3CHO। अभी मैंने पीछे प्रोटॉन बनाए थे लास्ट लेक्चर में मैंने सारे प्रोटॉन बताए हैं। तीसरे केस में ये इलेक्ट्रोफाइल और ये वाला न्यूक्लियोफाइल, तो आंसर आएगा CH3CHOH CHCH3CHO। चौथे केस में ये इलेक्ट्रोफाइल ये न्यूक्लियोफाइल, तो आंसर आएगा C2H5CHOH CH2CHO। NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास की, Why cross aldol of ethanol and propanol not useful but useful in case if we take methanol as one of the reactants? Cross aldol पहली वाली यूजफुल है, दूसरी वाली यूजफुल क्यों नहीं है? Because in case of cross aldol of ethanol and propanol we get four products, mixture of four aldols, so it is not useful, तो इसलिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल? हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोफाइल होता है, राइट हैंड साइड वाला न्यूक्लियोफाइल। क्या ये सबको समझ आ गया है? निशी? यस सर। समझ आ गई रिएक्शन की नहीं, क्रॉस एल्डोल? यस सर। चलो बस एक बार मैं जल्दी से ना तुम्हें कहनी जा रहा हूं रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहा हूं, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, पता नहीं कितनी बार नीट में आ चुका है मैकेनिज्म का नाम, मैकेनिज्म में क्या यूज होता है, तो हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म, ये लाइन याद रखना जरूर, नीट में IIT एडवांस में मेंस में हर जगह आ चुका है ये, हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म है इसका। एल्डोल की डिटेल मैंने दी है, क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं कराए हैं, बहुत कम क्वेश्चंस कराए हैं, डिटेल दी है मैंने कि क्या क्या हो सकता है, सही ना? तो तुम जो लेक्चर्स पढ़ोगे मेरे, तो उसमें तुम्हें लगेगा कि हाँ उनमें डिटेल दे रखी है एल्डोल की। मैकेनिज्म एक, अच्छा मैकेनिज्म रह गया ना, मैकेनिज्म जल्दी से देखो उसको, एल्डोल का मैकेनिज्म में CH3CHO लिया, ओ चार्ज डाले, रिवर्सिबल स्टेप CH2-CHO ये आ जाएगा प्लस H2O। ये क्यों अल्फा हाइड्रोजन क्यों हटता है? क्योंकि वो एक्टिव होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजर, इनोलेट स्टेबल इनोलेट बनाता है, स्टेबल इनोलेट बनाता है, ओ नेगेटिव, काम मेरा इसका ही है, मैं इसी को लूंगा। दूसरा मॉलिक्यूल लिया जो काम करेगा इलेक्ट्रोफाइल का, दूसरा स्टेप है इसका, ये ले लिया इसका जो न्यूक्लियोफाइल बना था -CHO, बस दोनों को जोड़ देंगे, वो इलेक्ट्रॉन लेके गया CH3CHO नेगेटिव CH2CHO ये आ गया। फिर पानी से डाइल्यूट था वाटर, तो हो गई वाटर से H ले लेगा, तो CH3CHOH CH2CHO। मकान समझ आ गया इसका कि नहीं, एल्डोल का? मकान चेक करो समझ आ गया कि नहीं।
निशी यस सर मकैनिक समझ आ गया इसका? हाँ सर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बोर्ड के सिलेबस में भी एक्सट्रीम केस में आ सकता है मकैनिक्स का, ऐसा नहीं कि टफ है मकैनिक्स, पर ध्यान रखना इसमें अगर OH आयंस का कंसंट्रेशन लो है, OH आयंस का कंसंट्रेशन लो है तो पहला स्टेप स्लो होगा, RDS होगा, और अगर OH आयंस का कंसंट्रेशन हाई है जो जनरली होता है तो उस केस में सेकेंड स्टेप स्लो होगा, तो सेकंड स्टेप दो, ये चीज ध्यान रखनी, और ऑर्डर निकालना मैंने सिखाया हुआ है स्लो स्टेप से फास्ट स्टेप से, काइनेटिक्स में सब बच्चों ने पढ़ा हुआ 12th क्लास के, तो ऑर्डर खुद निकालना, जब पहला स्टेप दो है तो ऑर्डर 2 आता है, सेकंड स्टेप दो है तो ऑर्डर 3 आएगा, ये ट्राई करना खुद। तो ये एल्डोल का मैकेनिज्म था, ये देख लेना। नेक्स्ट अब है कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन कौन शो करता है? कौन शो करेगा कैनिजारो रिएक्शन? ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता, ध्यान रखना ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता वो शो करेंगे कैनिजारो, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता वो कैनिजारो शो करेंगे। मैं दे रहा हूं HCHO बेंजल्डिहाइड CH3 होल थ्राइस CCHO, मान लो ये तीन केस ले लिया मैंने, मैंने तुमसे बोला विच द फॉलोइंग विल शो कैनिजारो एंड विच द फॉलोइंग विल शो एल्डोल, इन तीनों में से कौन कैनिजारो शो करेगा कौन एल्डोल शो करेगा बताओ, कौन कैनिजारो शो करेगा कौन एल्डोल शो करेगा बोलो जल्दी, निशी तुम बोलो इसमें, दोनों कैनिजारो, तीन दिए तीन कंपाउंड सर, तीनों कैनिजारो करेंगे। बहुत अच्छे, तीनों में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जो ये वाला केस है इसमें भी बेंजीन के ऊपर CHO, ऑल थ्री विल शो कैनिजारो रिएक्शन, ऑल थ्री विल शो कैनिजारो रिएक्शन एज दे डू नॉट हैव एनी अल्फा हाइड्रोजन एटम। कैनिजारो रिएक्शन में कंसंट्रेटेड OH आयंस लेते हैं, ध्यान रखना कंसंट्रेटेड OH आयंस ज्यादा अमाउंट में होते हैं, और OH आयंस यहाँ पे काम करेंगे न्यूक्लियोफाइल का, सिर्फ एक बार कंपाउंड का करेंगे ये ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन, कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं, जैसे पेपर में लिखा होगा 50% NaOH डाला है यानी कंसंट्रेटेड है, सही ना, तो कंसंट्रेटेड OH आयंस डालेंगे। तो तुम्हें आंसर निकालने के लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं तुम्हें, एक बार CHO को कन्वर्ट करना है CH2OH में रिडक्शन हो गया, एक बार CHO को करना है COO नेगेटिव में ऑक्सीडेशन हो गया, एक बार CHO को CH2OH में, एक बार CHO को COO नेगेटिव, तो इसलिए CHO को CH2OH में किया तो मेथेनॉल आ गया रिडक्शन होके, एक बार CHO को COO नेगेटिव में किया तो HCOO आ गया सोडियम फॉर्मेट, अगर NaOH है तो KOH है तो पोटेशियम फॉर्मेट, अभी HCO नेगेटिव। तो ये आंसर निकालने का तरीका इसका, एक बार CHO को CH2OH में रिडक्शन, एक बार CHO को COO नेगेटिव में ऑक्सीडेशन, और इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल आ जाएगा एक, और एक बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके रोड मैप में, मैं तुम्हें दूंगा कल परसों में ट्राई करूंगा एक रोड मैप जिसमें इसी टाइप इन तीनों में से कोई एक यूज करवाऊंगा, देखते हैं उसमें कौन सोच पाता है। अब जैसे ये इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो CH3 होल थ्राइस सी, एक बार CHO जाएगा CH2OH में, एक बार CHO जाएगा COO नेगेटिव में, कोई डाउट किसी को, रिएक्शन लिखना सबको आगे कि नहीं, कैनिजारो पहले भी बताई हुई है बहुत बार, एक बार हैंड सेस कर देंगे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, किसको रिएक्शन लिखना आ गया जल्दी से, जिसको रिएक्शन लिखना आ गया, काजल निशी सोनिया अर्नव बॉबी छवि पारुल कशेश युविका नित्या सिद्धि ऋषि आर्यमन साक्षी प्रियांशी आदित्य और ईशांक, ईशांक आदित्य होगा, ईशांक रिएक्शन लिखना आना चाहिए जरूर, कन्वर्जेंस करोगे उसमें पता लग जाएगा। चलो अभी एक बार जल्दी से मैकेनिज्म नोट करना है इसका, मैकेनिज्म रिएक्शन में कल कराऊंगा, मैकेनिज्म देख रहा है एक बार, देखो HCHO है ना, हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म है, इस वर्ड को नहीं भूलना बिल्कुल, चाहे तुम्हें मैकेनिज्म समझ आए ना समझ आए ये लाइन जरूर रखना, हाइड्राइड ट्रांसफर H- ट्रांसफर मैकेनिज्म है इसका।
आज मैंने दो दोपहर में तुम्हें कराया था ना बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, जिसमें एनएओ डाला था और फिर एच प्लस डाला था, वही सेम टाइप का मैकेनिज्म है इसमें डाला वो चेंज। क्या एचसीएचओ में एक्टिव हाइड्रोजन है? क्या एचसीएचओ में एक्टिव हाइड्रोजन है? नहीं है ना, तो ये काम करेगा न्यूक्लियोफाइल का। एचसीएचओ में कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, सो दिस विल एक्ट एज ओ चेंज विल एक्ट एज सही ना न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। और क्या आ जाएगा इसमें, पहले इसमें आ जाएगा ओ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा एच सी ओ नेगेटिव एच ओ एच, ये आ गया। अब उसका दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे, दूसरा मॉलिक्यूल लिया एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, एच सी ओ नेगेटिव एच और ये ओ एच, ये डाला। अब ये डाल दिया, इसमें क्या होगा हाइड्राइड ट्रांसफर कैसे होगा? देखो ओ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन दिए इसने, ये एच माइनस गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये वाला एच जाके एच माइनस जा करके इधर टूट जाएगा। समझ आ गया कि नहीं? ये क्या हुआ है, हाइड्राइड ट्रांसफर है तो स्लो स्टेप होगा, ये यहाँ पे हुआ स्लो स्टेप, स्लो स्टेप होगा और क्या आ जाएगा एच सी ओ नेगेटिव एच एच प्लस एच सी बॉन्ड ओ ओ एच, ये दोनों बने। अब एसिड तो कभी भी बनता किसी रिएक्शन में, और बेसिक मीडियम है, हमेशा प्रोटॉन ट्रांसफर कर देना, हमेशा क्या कर देना प्रोटॉन ट्रांसफर। सो प्रोटॉन ट्रांसफर विल टेक प्लेस एच सी ओ नेगेटिव एच एच, यानी सी एस थ्री ओ नेगेटिव लिख देता हूँ इसको, सी एस थ्री ओ नेगेटिव, सी एस थ्री ओ नेगेटिव प्लस एच सी ओ एच है प्रोटॉन ट्रांसफर, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो क्या आ गया सी एस थ्री ओ एच प्लस एच सी ओ नेगेटिव प्लस एच सी ओ नेगेटिव। एक बार हैंड से करेंगे जिसको ये मैकेनिज्म समझ आ गया, ये है जब OH आयंस बहुत एक्सेस में नहीं है तब का मैकेनिज्म है, दो मैकेनिज्म दिए गए हैं इसके लिए, दूसरा मैकेनिज्म ज्यादा परफेक्ट है। जिसको समझ आ गया मैकेनिज्म हैंड से करेंगे। सेकंड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्राइड ट्रांसफर वाला। सिद्धि, सोनिया, काजल, आदित्य, पारुल, नित्या, ऋषि, आर्यमन, बॉबी, प्रियांशी, कशिश, निशी, छवि, युविका, तीन चार बच्चे रह गए अभी, डाउट है तो दोबारा पूछो, डाउट है तो दोबारा पूछ लो। देखो यहाँ पे स्लो स्टेप है, अगर मैं इसे कहूँ रेट निकालो इसका, मान लो यहाँ पे KC आया, जिसको KF by KB भी मान सकते हैं, यहाँ K आया तो रेट क्या होगा इसमें ध्यान देंगे, और मैं जल्दी से लिखना सिखा देता हूँ, 12th वाले बच्चों को आता है, 11th वाले को समझ आता है तो करना नहीं तो रहने देना। रेट देखते हैं हमेशा स्लो स्टेप को देखकर, स्लो स्टेप इज ऑलवेज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन। रेट जो आएगा के इंटू एच सी एच ओ, जो रिएक्टेंट है पहला रिएक्टेंट, दूसरा ये के इंटू एच सी एच ओ इंटू सी एच टू ओ एच ओ नेगेटिव, मैं इसको लिख रहा हूँ सी एच टू ओ एच ओ नेगेटिव। अब ध्यान देना इसको देखें तो रेट ऑर्डर इसका टू आ रहा है, वन यहाँ पे ऑर्डर टू है, लेकिन ये गलत है क्योंकि क्या ये हमारा मेन रिएक्शन में है, ये वाला पार्ट मेन रिएक्शन में नहीं है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से, ऊपर वाले स्टेप से। तो केसी की वैल्यू क्या होगी, वो केसी की वैल्यू होगी सी एच टू प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट सी एच टू ओ एच ओ नेगेटिव डिवाइडेड बाय एच सी एच ओ इंटू ओ चांस, बस इसको इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी सी एच टू ओ एच ओ नेगेटिव की वैल्यू आ जाएगी केसी इंटू एच सी एच ओ इंटू ओ चाइंस, बस ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब इधर इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू के सी इंटू एच सी एच ओ का स्क्वायर, ऑर्डर थ्री आ गया यहाँ पे इंटू ओ चाइंस। 12th वाले बच्चों को बहुत आता होगा क्योंकि मैंने काइनेटिक्स में बहुत बार कराया हुआ है ऐसे क्वेश्चन, ऑर्डर थ्री आ गया यहाँ पे, ऑर्डर कितना आ जाएगा थ्री। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया, 11th वाले बच्चों को अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि काइनेटिक्स में मैंने रेट लॉ लिखना सिखाया नहीं है। कशिश, सिद्धि, काजल, प्रियांशी, सोनिया, ऋषि, छवि, छवि समझ आ गए,
फारुल, छवि सर थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया क्या हुआ। अच्छा मैं एक बार रिपीट करता हूँ, सभी समझ आ गया ना, एक बार और देख लो, क्या पता और क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले ना स्लो स्टेप को देख करके हम रेट लॉ लिखते हैं। लेक्चर्स पढ़ोगे ना उसमें और क्लियर समझा रखा होगा मैंने। स्लो स्टेप को देख करके हम रेट लॉ लिखते हैं। रेट लॉ लिखा मैंने वो जो रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगा। स्लो स्टेप को देखकर ही रेट लॉ क्यों लिखते हैं? क्योंकि किसी भी रिएक्शन का जो स्लो स्टेप होता है उसी से रिएक्शन की स्पीड पता लगेगी। मैंने पहले भी तुम्हें बताया हुआ, किसी एक रिएक्शन में मान लो 3 स्टेप हो रहे हैं, जब वो 3 स्टेप कंप्लीट होंगे तो ही रिएक्शन कंप्लीट होगी। पहला स्टेप हो रहा है 1 सेकंड में, दूसरा स्टेप हो रहा है 2 सेकंड में, तीसरा स्टेप हो रहा है 2 दिन में, तो रिएक्शन को कंप्लीट कब मानोगे तुम? 2 दिन के बाद ही ना। जब तक तीसरा स्टेप नहीं होगा तब तक रिएक्शन कैसे हो जाएगी? छवि यस सर। तो इसलिए स्लो स्टेप जो है उसी से रिएक्शन की एक्चुअल स्पीड पता लगती है। तो स्लो स्टेप को देख करके मैंने लिख दिया रेट इज इक्वल टू के इंटू एच सी एच ओ इंटू दिस वैल्यू। लेकिन ये जो हमारा है ये मेन रिएक्शन में है नहीं। मेन रिएक्शन क्या थी हमारी? एच सी एच ओ की ओ चांस सी एच थ्री ओ एच और एच सी ओ नेगेटिव मिलता है, वो मिलता है ना। तो ये इंटरमीडिएट रिएक्शन का, ये मेन रिएक्शन में नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू हम इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से पुट करते हैं। केसी की वैल्यू क्या होगी? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट बाय 2 रिएक्टेंट, फिर इसकी वैल्यू निकालेंगे और स्लो इधर रेट वाले में स्टेप में पुट कर देंगे। इस तरह से करना है। सभी कुछ क्लियर हुआ अभी? यस सर। चलो इसको ट्राई करेंगे। अब इसका ये एक तो मैकेनिज्म ये है, एक मैकेनिज्म है जब ओ चांस एक्सेस में होंगे, जब ओ चांस एक्सेस में होंगे तब देखो मैकेनिज्म थोड़ा चेंज है। एच सी एच ओ है, बस ये लास्ट लिख रहा हूँ मैं, तब मैकेनिज्म थोड़ा चेंज होगा। एच सी एच ओ प्लस ओ चांस डाला, ओ इलेक्ट्रॉन लेके गया, एच सी ओ नेगेटिव एच ओ एच ये आया। अब क्योंकि ओ चांस एक्सेस में है, क्योंकि ओ चांस एक्सेस में है, अब इनको ये भी दिखेगा, ये वाला एच भी दिखेगा, ये भी तो एक्टिव है, तो इसलिए अब ओ चांस इसको ले जाएंगे साथ में, एच सी ओ नेगेटिव नीचे ओ नेगेटिव एच, ये इसको भी ले जाएंगे। तो अब ये हाइड्राइड ट्रांसफर बहुत आसानी से करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। तो देखो अब हाइड्राइड ट्रांसफर कितनी जल्दी होगा, एच सी बॉन्ड ओ एच प्लस दूसरा मॉलिक्यूल एच सी ओ नेगेटिव एच। अब देखो इसमें अब ये ओ इलेक्ट्रॉन लेगा, इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये एच इधर गया और ये आ गया आंसर। ध्यान देंगे ये एच जाएगा इसके पास, सी एच थ्री ओ नेगेटिव बना और प्लस क्या बना, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव। समझ आया दूसरा मैकेनिज्म के नहीं? आ गया आंसर भाई, एक बार चेक करो आंसर समझ आ रहा है कि नहीं है। सेकंड मैकेनिज्म समझ आया कि नहीं है? अब सी एस थ्री ओ नेगेटिव तो पानी से एच ले लेगा, सी एस थ्री ओएच बना देगा, ये तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि बेस भी डला हुआ। देखो सेकंड वगैरह समझ आया कि नहीं? चेक करो किसी को डाउट है तो कोई। एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको सेकंड में करने समझ आ गया। काजल, बॉबी, सिद्धि, सोनिया, युविका, अर्णव, कशिश, छवि, ऋषि, नित्य, पारुल, प्रियांशी, निशि, आर्यमन, आदित्य। चलो फिर ये सबको समझ आ गया इसका मतलब मैकेनिज्म। ध्यान रखना इसमें जब तुम रेट लॉ लगाओगे ना तो रेट लॉ खुद निकालना इसमें आंसर। फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन आएगी, ये फोर्थ ऑर्डर की रिएक्शन आएगी, इसमें आएगा के डैश, मैं के इंटू के सी जो है ना उसको के डैश मान रहा हूँ,
HCHO का स्क्वायर आएगा, OHCH का भी स्क्वायर आएगा, ये दोनों आएंगे, HCHO का भी स्क्वायर, OHCH का भी स्क्वायर। और कैनिज आरो जो है कभी भी उसके अंदर, जैसे मैंने मैंने एक बार क्रॉस कैनिज आरो देखी, क्रॉस कैनिज आरो HCHO HCHO प्लस PHCHO, इसमें क्रॉस कैनिज आरो लगेगी। अब इसमें एक ऑक्सीडाइज होगा, हाँ बिल्कुल सोनिया, OHCH मैंने बोला ना सेकंड मैकेनिज्म जो है बेटर मैकेनिज्म है, उसमें हाइड्राइड ट्रांसफर आसानी से होगा, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, इसी के ऊपर मैं क्वेश्चन दूंगा कल तुम्हें अरेंज करने के लिए, क्वेश्चन दूंगा, एक दूंगा मैं रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर में अरेंज करो, एक दूंगा हाइड्राइड एक्सेप्टर में अरेंज करो, एक में एक करो रेट ऑफ हाइड्राइड एच माइनस एक्सेप्शन में, एक रेट ऑफ हाइड्राइड ट्रांसफर में अरेंज करो, ये क्वेश्चन आया हुआ है हाइड्राइड ट्रांसफर आईआईटी के अंदर ऑर्डर में अरेंज करने का। हाइड्राइड ट्रांसफर किसी को करना है तो हम चाहेंगे कि डोनेटिंग ग्रुप हो, तभी तो मैंने दो ओ नेगेटिव कर दिए ताकि हाइड्राइड ट्रांसफर आसानी से हो। ये क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है ऊपर, ये बोर्ड के सिलेबस में है क्रॉस कैनिजारो, शॉर्ट में इसको CNZ लिखते हैं, क्रॉस कैनिजारो। इसमें आप देखो एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा, कंसंट्रेटेड OHCH ज्यादा, एक ऑक्सीडाइज होगा एक रिड्यूस होगा, तो कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा, और अगर ये लेता हूं मैं तो क्या होगा, होता है CCH। देखो दोनों क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन है, क्रॉस कैनिजारो पेपर में आता है बोर्ड में, यही रिएक्शन है कोर्स में, बस यही करना है। और हमेशा याद रखना HCHO लीस्ट बल्की है, कोई डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, इसलिए यही रिएक्टिव बहुत ज्यादा होता है, हमेशा जब ये आ गया तो यही ऑक्सीडाइज होगा, इसलिए इसका आएगा HCO नेगेटिव और दूसरे का आएगा PHCH2OH, दो प्रोडक्ट मिलेंगे। इस केस में क्वेश्चन आता ना, तो इस केस में ये भी ऑक्सीडाइज होता है रिड्यूस भी होता है, ये वाला ऑक्सीडाइज भी होता है रिड्यूस भी होता है, तो इसमें चार प्रोडक्ट मिलते हैं, इसमें मिलेंगे चार प्रोडक्ट PHCH2OH प्लस PHCO नेगेटिव। ये भी क्वेश्चन आता है कि इसकी रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, इसकी रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, HCHO आ गया तो हमेशा दो प्रोडक्ट, क्योंकि यही हमेशा ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे वाले को रिड्यूस ही होना पड़ेगा, बाकी केसेस में हर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो सकता है। ऐसे ये भी एक बार ये रिड्यूस हो गया और एक बार ये ऑक्सीडाइज हो गया, देखो समझ आ गया कि नहीं, इसमें चार प्रोडक्ट मिलेंगे, इस केस में मिलेंगे चार प्रोडक्ट्स। एल्डोल और कैनिजारो रिएक्शन जो है दोनों क्लियर हुई कि नहीं, मेन रिएक्शन है उनके मेन कंसेप्ट बताए हैं, मैंने क्वेश्चन नहीं कराया तुम्हें, मेन कंसेप्ट सिखा दिया तुम्हें, इसके क्वेश्चन तो तुम लेक्चर जब मेरे करोगे ना उसमें भरे पड़े होंगे क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन दे रखे होंगे उसके, उसमें करना जरूर तुम, किसी ने किया मेरे लेक्चर्स की नहीं है, सिद्धि सिद्धि चलो कुछ नहीं होता, अब यहां तक कर लेना जरूर, चलो यहां तक पढ़ लेना तुम लोग, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, कल भी मैं शायद, हाँ बोलो बोलो सर, 38 तक नहीं है वो, अभी बाद में है, 38 के बाद है, 38 के बाद है, अब कल तो मतलब ये मंथ ना, हाँ एल्डोल कैनिजारो और थोड़ा ओजोन लिसिस, कल जो मैं दोपहर में क्लास दूंगा इन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगा, इन्हीं की प्रैक्टिस कराऊंगा, तुम डाइजोमेथेन वाली रिएक्शन ट्राई करो, क्योंकि उसके बाद तो मैं वही कराऊंगा, क्या नाम है जो मैंने इंडिकेटर्स वगैरह बोला था, वो इंडिकेटर्स नाइट में क्लास अगर मैं दूंगा ना कल, तो उसमें इंडिकेटर्स वगैरह कराऊंगा, तो उसमें मैं इंडिकेटर्स वगैरह कराऊंगा, तो इंडिकेटर्स जरूर पढ़ के रखना, इसकी एल्डोल कैनिजारो और इंडिकेटर्स ये पढ़ के रखना जरूर, क्योंकि अब वही काम चलना है हमारा, सही ना, तो इसको पढ़ लेना जरूर, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो, ट्वेल्थ वालों को तो टेस्ट मैंने बोला 30th को, चार चैप्टर मैंने भेज दिए हैं, इलेक्ट्रोकाइनेटिक सरफेस D&F और ऑर्गेनिक। सर ऑर्गेनिक में क्या आएगा? ऑर्गेनिक पूरी है मेनली, तो मैंने कन्वर्जेंस ही लिखा है उसके अंदर भी, अदरवाइज पूरा ही करना, तो मैं चाहे वो रिएक्शन मैकेनिज्म है, चाहे आइसोमरिज्म है, या फिर GOC, अब पूरा ट्राई करना, कोशिश करना पूरा हो जाएगा, तो टेस्ट को सीरियसली लेना, बस मेरे को थोड़ा कोर्स मेरा निकल जाए ना ये, अब मैं 11 वालों को एस ब्लॉक स्टार्ट करूंगा, बच्चों को मैंने भेज दिया है 11 वाले बच्चों को, एस ब्लॉक 30th तक कंप्लीट करना है और याद करना है, फिर मैं लेक्चर लूंगा उसके, थोड़ा फास्ट करवाऊंगा उसको, क्योंकि मेरा इससे पहले ही खत्म हो जाएगा शायद आयनिक, तो फिर उसके आगे करेंगे। लेक्चर्स मैंने आयनिक के कितने भेजे हुए हैं 11th क्लास में,
कितने लेक्चर भेजे हुए मैंने निशी? सर भी याद नहीं है मेरे को ग्रुप पे क्या तो भेजा है। अच्छा देखा नहीं है, चलो कुछ नहीं तो मैं देख लूंगा एक बार। आयनिक लेक्चर के अर्नब को भी नहीं पता है कितने लेक्चर भेजे हैं सर? 18-19 लेक्चर भेजे हैं। ज्यादा भेजे होंगे अर्नब अभी मैंने सर 28 है। 28 है मैंने भेजे कितने हैं ये नहीं पता ना ग्रुप में। चलो मैं आगे भेज दूंगा उसके लेक्चर्स, इसको खत्म करो। ये इंडिकेटर भेजा हुआ है कि नहीं मैंने? नो सर। कर लेता हूं सर, आपने आयोनिक के 20 तक भेजे हैं। 20 तक भेजे हैं? यस, यानी 8 लेक्चर और भेज दिए। रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने आदित्य पूरा भेज दिया, प्लेलिस्ट ही और ज्यादा ऊपर नहीं होगी, एक बार चेक करना मिल जाएगी। आदित्य मिल गई क्या? अगर किसी को मिल जाए तो एक बार मार्क करके मार्क कर देना उसको। चलो अब कर लेना आगे से ना, कल करते हैं आगे इसके एल्डोल और कैनिजारो। ओके थैंक्स।